ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। समस्या एक कारण दो भाई, ने बिल्लू को वापसी दे दो, अपना निपट दे दो। मोदी जी एमएसपी पे कानून बनेगा। मोदी जी ने ये भी कहा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तभी भी लोग प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन ये टाइम जो प्रोटेस्ट है ये है पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिशियंस आपको मोटिवेट कर रहे हैं। पॉलिटिक्स वाले तो है ही नहीं आज, कहां है पॉलिटिक्स वाले, वो दिखाओ नहीं, वो आ रहे हैं मिल रहे आपसे ऑपोजिशन वाले, तो रहे ना उनके टेंट लग रहे, अपना प्रदर्शन कर रहे कहीं बाहर, कहीं कुछ नहीं कर रहा। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी, इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम, एमएसपी पे कानून बन जाएगा जो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको, ये काम। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है, उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं, और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक नई बिरादरी आई है, ये सवाल जो अब आगे समझ में, या किसान किसान बिरादरी है, वो बिरादरी है आंदोलन करने वालों की, आंदोलन की। हाँ तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आएगी और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा, भूख कितनी लगेगी अनाज की कीमत उतनी होगी, देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से फ्लाइट के टिकट एक ही दिन में 4 बार उनके टिकटों के रेट ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से अनाज की कीमतें, किस आदमी को किस टाइम पे कितनी भूख लगेगी उसकी कीमत, देश में अनाज की कीमत भूख पे तय नहीं होगी। लेकिन तय हमें ये करना है कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं कि हम समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं। बस ये पतली सी रेखा है, अगर हम समस्या का हिस्सा बने तो राजनीति तो चल जाएगी, लेकिन अगर हम समाधान का माध्यम बनते हैं तो राष्ट्र नीति को 4 चांद लग जाते हैं।